गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को मैं और रेबेका राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। जी जनाब बिल्कुल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुबह जागते ही ओपनिंग में ही आपको टास्क दे दिया, जरा उठ जाए और बताएं कि कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्ट्रेस है तो क्या बगैर स्ट्रेस के ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। वैसे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगर आपको बताया जाना कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, सुबह उठ के क्या बनेगा, दोपहर को क्या खाना है, सबसे बड़ा मसला ही हर घर में ये होता है। मुझे नहीं पता कि स्ट्रेस के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है कि नहीं, क्यों तो ऐसे कैसा है। मेरा ये ख्याल है कि स्ट्रेस के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। हाँ, स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे कर लें, ये हुनर है ज़िंदगी गुजारने का। अगर कोई कहे मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुबालगा आराई होगी। हाँ, ये ज़रूर है अगर कोई कहे कि मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना आता है और मैं परेशानियाँ हैंडल करना जानती हूँ या जानता हूँ, ये काबिल एतबार बात है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई दुश्वारी है ज़िंदगी के अंदर कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, मुश्किलात हैं, तो आज हमने राइजिंग पाकिस्तान का ये एपिसोड जो है उन सॉल्यूशंस के नाम किया है, जिसमें सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी अरहम से, मेरे क्लास फेलो। और अरहम, आपको मालूम है कि कितनी ज़बरदस्त रिसर्च करके आसान अल्फाज में टिप्स लेके आते हैं। आज वो हमें बताएंगे कि स्ट्रेस की वजूहत क्या होती है और स्ट्रेस से हम छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बिल्कुल इसी के साथ आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो भी इसी हवाले से बात करेंगे। तौसीक, जब जिस तरह भी आपने बात की कि अरहम जो है वो बात करेंगे स्ट्रेस के हवाले से, एक चीज़ जो बहुत ही खुशी की है कि बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं कि इन चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसा होता था कि इस टॉपिक पर लोग ना बात करते हुए ज़रा डरते थे। बच्चा किसको कहा आपने? अरहम को। और हम बच्चा, मेरा क्लास फेलो बच्चा कैसे हो सकता है? मैंने आपको कभी बड़ा कहा ही नहीं है। हाँ, ये फिर ठीक है, या तो मुझे भी बच्चा कहें या अरहम को बच्चा ना कहें। जी हाँ, बिल्कुल, ये बच्चे जो है, मेरा मतलब है अरहम और हमारे मेरे क्लास फेलोज जो है ये बड़े जबरदस्त रिसर्च करके आते हैं और कई दफा बड़ों से, एक्सपीरियंस्ड माहिरीन से ज्यादा काम की बात बता देते हैं। एक्सपीरियंस्ड माहिरीन की बात हो रही है तो आज डॉक्टर ताहा साबरी हमें ज्वाइन करेंगे और ये मेंटल स्ट्रेस और मेंटल इलनेसेस के माहिर हैं। खुद उनकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। खुद एक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहनी बीमारियों के हवाले से इनका बहुत सा काम है और इनकी अपनी कहानी भी बहुत दिलचस्प है जो आज हम आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। तो डॉक्टर साबरी, इसी स्ट्रेस और मतलब जहनी इंतशार और इसी हवाले को आगे लेके चलेंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें रेबेका बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन जैसे और बाइपोलर डिप्रेशन जैसे मसाइल को जन्म देती हैं। तो आज डॉक्टर, और ये भी सोचना बिल्कुल गलत है कि अच्छा नहीं 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 ये तो मेरा मसला नहीं है। आदाद और शुमार हमें डॉक्टर साबरी आके बताएंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद इस वक्त कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में हर दूसरा, तीसरे, पांचवें, आठवें मोड़ के ऊपर जिंदगी के आपको बाइपोलर डिप्रेशन का मरीज नजर आएगा जिसको उसका अंदाजा भी नहीं है। सो आज इस हवाले से उनसे बात। बिल्कुल, इसी के साथ अलमास नयाब आएंगी और अलमास जो है कुछ हमारी मॉर्निंग को म्यूजिकल मॉर्निंग करने जा रही हैं। किस तरह से गाने का शौक हुआ, किस तरह से उन्होंने सोचा कि अच्छा अपने सारे काम तो वो कर रही हैं लेकिन म्यूजिक और सिंगिंग को जो अपना पैशन है उसको भी साथ कंटिन्यू रखना है, तो आज अलमास आएंगी, कुछ म्यूजिक का सिलसिला रहेगा। ये भी स्ट्रेस रिलीव करने का एक तरीका होगा। बहुत जबरदस्त तरीका है ना, बड़ा आसान तरीका भी है लेकिन उनके लिए आसान है जो बहुत अच्छा गाते हैं। हम जैसे जो शायद अच्छे सुर को पहचानते तो नहीं है, गा नहीं सकते, लेकिन सुनने वाले हैं तो हमें भी मजा आता है। इसी के साथ आपको बता दें जनाब, चार अच्छी खबरों से आपके दिन को हमने करना है अमेजिंग। आपके लिए शॉर्ट फिल्म भी है जाने इस्तकबाल, वो भी दिखाई जाएगी और आई थिंक वो जो फाइनल मूवीज है शॉर्ट फिल्म्स उनमें भी आई है, सही है तौसीक? जी हाँ बिल्कुल, इसकी कुछ तफसील यूं है कि पिछले बरस दिसंबर के महीने में पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी ने आपके लिए शॉर्ट फिल्म्स डॉक्यूमेंट्रीज का एक कॉम्पिटिशन अनाउंस किया था जिसके फाइनलिस्ट जो है उनको फीचर किया गया 25 दिसंबर को यौम कायद पे, और हम उसकी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स राइजिंग पाकिस्तान में दिखाते चले आ रहे हैं जनवरी और फरवरी के महीने में। लेकिन आज से अगले 6 एपिसोड्स में, यानी कि हर मंडे और थर्सडे को, पीर और जुमेरात को आपको हम देखें, और रीरन में आप खैर सैटरडे संडे को भी देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे टॉप 6 शॉर्ट फिल्म्स जो आप ने हमें बना के भेजी। और 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 नंबर 3 पे आई थी, 2 नंबर 2 पे आई थी और 2 नंबर 1 पे आई थी। तो आज
पहली नंबर थ्री आपको हम दिखाएंगे जाने इस्तकबाल है और ये जनाब है आज राइजिंग पाकिस्तान की टीम लेकर आई है। सुबह में रीरन में देख रहे हैं आप, हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं पर भी हमारी कोशिश है कि आपका दिन और आपका वो लम्हा जिस लम्हे आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ पिक ऑफ द डे आपके लिए होना चाहिए। सभी हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तौसीक होंगे उनके साथ, उनके क्लास फेलो अरहम होंगे, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, मेरे क्लास फेलो अरहम मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अरहम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं और थोड़ा बहुत अगर जिंदगी में स्ट्रेस होता भी है तो आप जैसे क्लास फेलो से मिलके मेरा स्ट्रेस तो वो दूर भाग जाता है ना जी, है ना, ऐसे ही है ना जी। लेकिन आज आपकी प्रेजेंटेशन है कि स्ट्रेस क्या है और इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं ना, इससे जान कैसे छुड़ा सकते हैं, बतलाइए जनाब क्या है सीन। तो मैं आपको एक पहले मजे की बात बताती हूं। बताइए। पिछले हफ्ते जो है ना मेरा टेस्ट था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी। ओके। तो मेरा उसके लिए रिवाइज करने का दिल चाह रहा था पर मैं कर नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहा था, मुझे इतना स्ट्रेस फील हो रहा था, इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं कैसे करूँगा ये। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे स्ट्रेस लेने से, मेरी परेशानी लेने से ना तो मेरी तबीयत ठीक होगी ना तो मेरी टेस्ट की तैयारी होगी। जितने भी टीचर्स है ना वो सारे कहेंगे ये स्टीरियोटाइपिकल बात कर रहा है ये, है ना, मैथ्स ही को सब लोग बुरा कहते हैं, तो आज हम कुछ और सब्जेक्ट कहते हैं लेकिन पता चला वो मैथ्स ही था। फिर कैसा हुआ टेस्ट? काफी अच्छा हो गया था। अच्छा हो गया था। तो लेकिन आपने टिप बड़ी अच्छी दी है कि स्ट्रेस को अपने ऊपर सवार कर लेना जो है ना वो ठीक नहीं है। तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक आपका मेंटल प्रेशर होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं बट आपको आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर पड़ा होता है जो कि आपको रोक रहा होता है। अच्छा, ओके। तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ओके ओके, तो इसकी वजूहात क्या होती है, क्या कॉजेज हैं इसके, क्यों होता है स्ट्रेस इंसान? फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बहुत सारे काम मिले हैं और काफी कम टाइम मिला है तो आपको तब भी स्ट्रेस फील होगा कि मैं इतने कम टाइम में इतने सारे काम कैसे कंप्लीट करूंगा। ओके, और वो काम स्कूल कॉलेज के भी हो सकते हैं, घर के काम भी हो सकते हैं, ऑफिस के काम भी हो सकते हैं, है ना जी। ओके ठीक है, तो एक तो स्ट्रेस ओवर वर्क का, ओवरलोड ऑफ वर्क प्रेशर जो है उसका स्ट्रेस होता है इंसान, ठीक है जी। और दूसरा होता है कि आपको कोई काम मिलता है आप कहते हैं नहीं यार मुझे तो ये काम नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं करना। तो आपको स्ट्रेस फील होता है क्योंकि आपको वो काम करने का दिल नहीं चाह रहा बट आपने वो करना है। ओके, अच्छा वो काम की ज्यादती नहीं है लेकिन वो काम आपको पसंद ही नहीं है इसलिए आपको उसका स्ट्रेस होगा। यानी कि अगर मुझे कुकिंग पसंद नहीं है, है ना, और आपको घर वाले कहते हैं जी खाना आपने पकाना है रोज और मुझे कुकिंग पसंद ही नहीं है जी। तो उसका स्ट्रेस भी होगा जी। बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी और क्या होता और है? उसके बाद आपको आपके पास आपको कोई काम असाइन किया जाए बट आपके पास उसकी नीडेड रिसोर्सेज नहीं है तब भी आपको स्ट्रेस फील होता है कि मैं इतने कम चीजों में इतना बड़ा काम कैसे कम्प्लीट करूंगा। ओके अच्छा बिल्कुल ठीक है, और ये कमी टाइम की भी हो सकती है, रिसोर्सेज में वक्त भी है ना जी। कि अब कल सुबह पेपर है और आज की रात में बस तैयारी करनी है तो इतने कम टाइम में मैं मैथ्स की तैयारी कैसे करूंगा, जैसे कि आपको हुआ था स्ट्रेस, है ना जी। बिल्कुल ठीक ठीक है जी, और क्या होता है स्ट्रेस की वजूहात? और तो बस स्ट्रेस आपको तब भी होता है जब आप बोर हो रहे हो यस, तो आपको बोर्डम का स्ट्रेस होता है जी। बिल्कुल ठीक है, तो इसको अब इसके जरा हमें सॉल्यूशंस बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। सबसे पहले तो कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। अच्छा। ताकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, फिट और एनर्जेटिक रखें ताकि आपका स्ट्रेस, आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस से डील कर ले। अच्छा, एक्सरसाइज करनी जरूरी है जी। और एक्सरसाइज क्या सुबह ही करनी जरूरी है या शाम में, या कोई आप रिकमेंड करेंगे कि जिस वक्त भी टाइम मिले, जिस वक्त भी दिल करे उस वक्त एक्सरसाइज कर ले?
जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, क्योंकि ज्यादातर तो आज लोग बिजी होते हैं, exactly. तो जब भी आपको टाइम मिला करें तो एक्सरसाइज कर लिया करें. बिल्कुल ठीक है. तो एक तो जी हो गया सॉल्यूशन स्ट्रेस का, एक्सरसाइज है जी. अच्छा और बताइए, और खाने पीने में क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ खास? आपको जो अपनी बैलेंस डाइट है ना, उसे मेंटेन रखना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि एक तो टेस्टेड बात है, अ हेल्दी माइंड इज इन अ हेल्दी बॉडी. अ हेल्दी माइंड इज इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक सेहतमंद जिस्म जो है उसी के अंदर सेहतमंद जहन परवरिश पा सकता है. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा, और माइंड हेल्दी नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो आपको डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा तो आपको टेंशन होगी, है ना? एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, जैसे यार हम हमें बता रहे हैं, आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, अच्छी हेल्दी चीजें खानी चाहिए. हेल्दी चीजों में क्या क्या आ जाता है जी? हेल्दी चीजों में तो आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल, है ना? तो इस तरह की बहुत सी और चीजें. एग्जैक्टली. तो आपको ड्राई फ्रूट्स में क्या पसंद है? आजकल सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट्स तो चल रहे होंगे. मुझे तो ड्राई फ्रूट्स सारे ही बहुत पसंद, सारे ही पसंद हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंग. और कौन सा वाला जो पसंद नहीं है? सारे पसंद है जी. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा जी, तो हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, है ना? तो उससे स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रहता है जी. अच्छा जी, और कोई पॉइंट है और कोई मशवरा? डॉक्टर अरहम जीशान का, आपका पूरा नाम अरहम जीशान है? जी. हाँ, अरहम जीशान, डॉक्टर अरहम जीशान का कोई और मुफ्त मशवरा? एक मेरे पास है वैसे, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आए. मैं अब तो डॉक्टर साहब बताएं, अब होस्ट मशवरा दे तो वो तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना. सोचता हूँ, सोचते. अच्छा, वो ऐसा मशवरा है शायद डॉक्टर साहब दे भी ना सके. बताऊं कौन सा जी? अगर आपके घर में कोई प्यारा सा पेट हो तो भी स्ट्रेस कम होता है. और कहते हैं कि बिल्लियां, बिल्ली अगर आपने घर में रखी हुई है तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है जी. आपका ब्लड प्रेशर कम करने में बिल्ली का भी बड़ा किरदार होता जी. है. और मेरे पास एक और पॉइंट है, बताइए. फाइंड अ हॉबी. फाइंड अ हॉबी, यस. तो आपको जब पूरे दिन में काम करते हैं, या आप घर से भी काम कर रहे हैं, या आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपको बहुत पसंद हो और आपको खुशी हो उसे करके. बिल्कुल. तो जब आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो तो आप वो काम करें, आपको खुशी होगी, स्ट्रेस खुद ही दूर चला जाएगा. एग्जैक्टली. मसलन अरहम क्या करते हैं जी आप अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, क्या हॉबी आपकी? कभी लेगोस बना लेता हूँ, कभी गाड़ियों से खेल लेता हूँ. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. लेकिन ये हॉबी कुछ भी हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है. बागबानी के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है, यानी आप गार्डनिंग करें. और गार्डनिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा लॉन हो जिसके अंदर जाके आप बागबानी करें. आप अपने छोटे से टेरिस पे, छोटी सी बालकनी पे, अगर इवन आप एक अपार्टमेंट में रहती हैं या रहते हैं, तो आप अपनी बालकनी के अंदर छोटे से कुछ पौधे रख के उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर होता है ना जी. कपड़े इस्त्री करना भी स्ट्रेस रिलीवर है, पता है आपको इस बात का? आयरनिंग और डिश वॉशिंग बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है. बर्तन धोना, खाना पकाना, कुछ लोगों को खाना पकाने से स्ट्रेस होता है अरहम, और कुछ लोगों का कुकिंग जो है वो उनकी स्ट्रेस थेरेपी होती है, वो कुकिंग कर सकते हैं. वो भी उनकी एक हॉबी है. वो भी उनकी हॉबी, यस एग्जैक्टली. साथ साथ उसके बेकिंग भी है कि आपको जब भी दिल चाह रहा हो, आपको स्ट्रेस फील हो रहा हो, तो आप जाकर बस किचन के अंदर पूरा मेस कर दें, सारी चीजें बिखेर दें और बना लें, सारी चीजें बिखेर दें, तो फिर ये किसी और के लिए स्ट्रेस हो जाएगा, अम्मा के लिए या डैडी के लिए, या है ना दादी अम्मा के लिए जो किचन संभालते हैं ना, उनको स्ट्रेस मिल जाएगा. ये कोई तो अपना स्ट्रेस खत्म करके गया, लेकिन किसी के लिए स्ट्रेस बना दिया जी. ये भी मुझे चक्कर कुछ ठीक नहीं लगता, काफी लोगों को डांट पड़ने वाली है इस मशवरे के बाद. अच्छा गुड भाई अरहम, बहुत अच्छे आपने आपने टिप्स दी, और वेरी गुड. और आप हमें ज़रा जाते जाते ये बताएं कि आप अब कौन सी क्लास में हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जो कि हर 3 महीने बाद फ्यूचर प्लान्स अरहम के बदल जाते हैं, इसलिए मैंने कहा ज़रा करंट पूछते हैं. आप कौन सी क्लास में? 5, 6? 5 में. वेरी गुड. और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कुछ प्लान किया है? लॉक कर लिया? तो बहुत सारी चीजें हैं, बट डिसाइड हो रहे हैं अभी. अभी हो रहा है डिसाइड जी, है ना? तो बस करना वही अरहम, जो जिस जो आपकी हॉबी टाइप चीज हो ना, और वही आपका प्रोफेशन बन जाए,
तो वो बड़ा मजा आएगा, है ना। तो अब्बू की अम्मी की बात बिल्कुल नहीं सुननी, तुम्हारे अब्बा जो है ना वो बैठे हुए ज़ीशान वो कैमरे के पीछे, खबरदार तुमने उनके बस जो तुम्हारा दिल करा ना वो करना, अच्छा ठीक है ना, ठीक क्यों ज़ीशान ऐसी बात है ना, इजाजत है अरम को खुद वो जी उन्होंने ऐसे थम्स अप कर दिया, वेरी गुड। और हम भी चाहते हैं तमाम पेरेंट्स जो हैं वो मशवरा जरूर दें अपने बच्चों को, लेकिन उनके साथ डिस्कस करें कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, अपने ख्वाब अपनी ड्रीम्स अपने बच्चों पे इम्पोज ना करें कि मैं तो जनाब बैंकर नहीं बन सका तो मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो बैंकिंग में जाएगी। उसको अल्लाह ताला ने रब की ज़ात ने एक बिल्कुल मुनफरद यूनिक अनोखा अछूता प्रोडक्ट बना के भेजा है, उसको डिस्कवर करने दें अपने आप को, उसको अपनी रॉ में बह जाने दें और देखें कि वो हो सकता है जो आपकी ड्रीम्स हैं उससे भी ज़्यादा अकम्प्लिश करके आपको दिखाए। तो बच्चों को थोड़ा सा खुद से एंजॉय करने दें इस सारे एक्सपीरियंस को, इस सारी उम्र को जो अरहम जिससे गुजर रहे हैं कि हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है ना, कभी अरहम ने आर्मी में जाना होता है, कभी अरहम ने डेंटिस्ट बनना होता है, कभी अरहम ने वो क्या आर्ट क्या एनिमेटर बनना होता है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एज ग्रुप। ठीक है जनाब, वेरी गुड, ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग वाला हैंडशेक करेंगे हम, ये चीज, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हैं, अलमास से हमने मजे मजे के गाने भी सुनने हैं, और ये मेंटल इलनेसेस डिप्रेशन स्ट्रेस इस सारी गुफ्तगू को हम डॉक्टर साबरी के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।